बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। कॉसेक एक्स बराबर -2, तो कॉसेक होता है साइन एक्स, -1/2 साइन एक्स माइनस साइन 30, ठीक है ना। साइन के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ देखो साइन x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बटे 6, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो x बराबर इसके नीचे 1 होगा, 1 कम 6 सात, 7 पाई बटे 6। साइन के लिए सूत्र क्या बोला था मैंने, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा का मान है 7 पाई बटे 6। ये आपका आंसर इसके लिए। यहाँ पे आ जाइए अगला क्वेश्चन, 5वां देखते हैं। पांचवा कहता है cos 4x बराबर cos 2x, इसको इधर लेकर आओ, व्यापक मान निकालना तो इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, बराबर 0, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d, सूत्र लगा दो, लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, 2 sin c प्लस d होता है बटे 2 इंटू sin d माइनस c बटे 2, ये सूत्र होता है, लगा दो यहाँ पे 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू sin 2x माइनस 4x/2 बराबर 0। ये 2 इधर बटे में ले जाओ, माइनस गुणे में बटे में जाएगा तो 0 से भाग करोगे, 0 को भाग करोगे तो 0 रहेगा, तो sin 6x/2 इंटू sin -2x/2 0, 2 बटे में गया 0 हो गया, वो चाहे दिखा देना अपना, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो sin 3x इंटू sin -x बराबर में 0। अब जानते हो माइनस है, बाहर निकल आएगा, सूत्र होता है आपका sin-θ बराबर माइनस का sin θ, ठीक है। अब sin 3x बराबर 0, तो यहां पर अल्फा का मान कितना है, 0 है, तो साइन के लिए सूत्र लगाओ, साइन के लिए तो 3x बराबर एन एन पाई, सूत्र था एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मान कितना है 0, अल्फा का मान 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 3x बराबर एन पाई और ये पूरा पद 0, तो x बराबर एन पाई बटे में ये कितना है 3 हो गया। आगे देखो इसी प्रकार इसमें साइन एक्स बराबर क्या है, साइन के लिए तो क्या होगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मान कितना बताया अभी मैंने, 0, तो एक्स बराबर एन पाई और ये पूरा पद 0, ठीक है ना, हो गया ये दोनों मान। धन्यवाद।